क्या श्रवणी ले लेगी शिवांश की जान? क्या शिवांश ही है श्रवणी का गुनहगार? जी हाँ, आपको बता दें कि देखा जा रहा है श्रवणी ने शिवांश पर बंदूक तान लिया है और उसे जान से मारना चाहती है। वहीं शिवांश भी काफी देर तक श्रवणी की बातें सुनते हैं। जो भी इल्जाम श्रवणी लगा रही है बस उसे सुनते जाते हैं। जहाँ पर श्रवणी का ये कहना है कि शिवांश की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है और उनका सपना अधूरा रह गया है। पहले लड़ना सीखिए, लड़ना, वरना आप भी गला घोट दीजिए इंसानियत का हमारी तरह। और नफरत कीजिए, सिर्फ नफरत, उसे रख दीजिए वही सुरक्षित जहां से लेकर आई थी। अभी आपका वक्त नहीं आया हाथ खून से रंगने का, अभी आपका वक्त नहीं आया हाथ खून से रंगने का। तो वहीं दूसरी ओर शिवांश का ये कहना है कि ये सब उनकी वजह से नहीं हुआ है और ना ही वो अभी वक्त आया है जब श्रवणी को अपने हाथ शिवांश के खून से रंगने पड़े। इसलिए वो श्रवणी को गन वापस रखने के लिए कह देते हैं। ये सब हमने सिर्फ नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है, बहुत कुछ सहना बाकी है। आपको आजादी चाहिए ना, चलाइए गोली, चलाओ फास्ट। शिव आगे गन पे, शिव बैक पीछे, शिव थोड़ा उसको अपने बुलेट के पास रखना, थोड़ा आगे आप चलाओ। राक्षस नहीं है हम, किसी को चोट पहुंचाते हैं ना तो ये हाथ कांपते हैं हमारे, इतनी नफरत करते हैं ना हम तुमसे, इतनी नफरत, फिर भी ये गोली नहीं चला सकते। वेल, कहीं ना कहीं शो काफी मजेदार ट्रैक पर चल रहा है जहां प्यार भी है, तकरार भी है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इस स्टोरी का अंजाम क्या होता है। एंड फॉर मोर सच टेलीटाउन अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।